जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। देखिए बच्चा, जैसे कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपी कॉन्स्टेबल और जीडी के लिए हमने इस बैच को बनाया है। और दोस्तों बात करें इस बैच में, तो याद रखेंगे हिस्ट्री की क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं, जिसमें लास्ट टाइम हमने अकबर के बारे में आपको बता दिया था। देखें बच्चा, लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि अकबर का जो जन्म हुआ था बच्चा, अकबर का जन्म कब हो गया था, 1542 में हो गया था, जलाल इनका नाम था। और याद रखेंगे 1556 में गद्दी पर बैठे और 1605 में बच्चा इनकी मृत्यु हो गई। किसके कारण की मृत्यु हो गई थी, अतिसार होने के कारण। ऐसा कहा जाता है कि अतिसार यानी कि दस्त जिसको आप बोलते हैं, है ना, उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। बाकी उस समय ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो ज़्यादा जानकारी उस जगह पता नहीं लग पाई उस टाइम में कि मेन समस्या थी क्या अकबर के साथ, जिस वजह से क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। देखें जरा, मैंने आपको बताया था कि अकेले अकबर ही एक ऐसे शासक थे बच्चा जिन्होंने क्या किया था, अपने मरने से पहले ही अपने मकबरे की ज़मीन को नियुक्त कर दिया था। और कहाँ पर बना था मकबरा, ये सिकंदरा में बना था। और सिकंदरा कहाँ पर है बच्चा, आगरा में है। इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था बच्चा नौ रत्नों के बारे में, जिनमें से सवाल फंसता ही फंसता है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो नौ के नौ को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलें बच्चा अब आगे की बात करते हैं। अब बात आ जाती है मुगल शासक में भी, या मुगल काल में, मुगल डायनेस्टी में 1605 के बाद क्या होता है। चलिए जरा अगर हम बात करें 1605 के बाद, यहां पर कंट्रोल हाथ में आ जाता है भैया जहांगीर के, जिसका पिताजी राजा था, उसी का जो बच्चा है, जो पुत्र है सलीम, है ना। यानी कि बचपन के नाम की अगर मैं बात करूं तो बचपन का नाम क्या बन जाता है, यहां पर याद रखेंगे आप, सलीम, है ना, क्लियर है बात। और माता बन जाती है भैया जोधाबाई, तो आप लोग जानते ही हैं। और पिताजी यहां पर हो जाते हैं अकबर। चलिए जी अब आगे की बात करते हैं बच्चा। देखिए जहांगीर जो गद्दी पर बैठा था, वो याद रखेंगे आप 1605 में अकबर का दी एंड हो गया था। तो तभी के तभी 1605 से 1627, ठीक है भैया, इतने टाइम जो रहा वो कौन रहा, जहांगीर रहा। देखिए अकबर एक ऐसा अकेला शासक था जिसने सबसे ज्यादा 49 वर्षों तक शासन किया। और अकबर के बाद औरंगजेब वगैरह का नाम आएगा, वो आगे पढ़ेंगे हम, है ना। औरंगाबाद में हम पढ़ेंगे कि औरंगजेब ने क्या क्या किया हिंदू धर्म को मिटाने के लिए। चले फिलहाल बात कर लेते हैं जहांगीर के बारे में। बच्चा देखिए जरा, जैसे हमने देखा हुमायूं अपने काल में कैसा रहा, विफल रहा, कोई भी काम कार्यक्रम वो नहीं कर पाया, ना इस्लाम धर्म के उत्थान के लिए और ना ही अपनी प्रजाति को, अपने लोगों को बढ़ाने के लिए, है ना। बाबर ने बहुत संघर्ष किया, उसके बाद अकबर ने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, है ना, सबसे लंबा शासनकाल अपने समय में निकाला। तो देखें जरा अगर यहाँ की बात करें बच्चा, तो जहांगीर ने कुछ ऐसा कोई स्पेशल काम नहीं किया जिससे इस्लाम धर्म में क्या हो जाए, जिससे इसको याद रखा जाए। भाई याद तो उसको ही रखा जाएगा ना बच्चा जो कुछ अलग काम करके दिखाएगा या अपने लोगों के लिए कुछ अलग काम करेगा। हाँ अगर हम बात करें भारतीय कला में उत्थान की, कला स्थापत्य की बात करें, जिसके प्रेमी कौन थे, जहांगीर थे। जहांगीर को शुरू से ही प्रेम था कला से, चाहे वो नक्काशी की हो, चाहे वो चित्रकारिता की हो, है ना। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जहांगीर के समय में भारत की जो कला थी वो एक अलग रूप लेकर के अपना निकली। चलें जरा अब आगे की बात करते हैं। तो इतनी बात हमने लिख ली इनके बारे में, चलें जरा अब बात कर लेते हैं पुत्र के बारे में। देखेंगे भैया जरा अगर पुत्रों की हम बात करें, खुसरो ये सबसे प्रिय और सबसे बड़ा पुत्र था। उसके बाद की बात करें खुर्रम, देखो नाम से ही पता लग रहा है ना, खतरनाक सा है। हाँ ये सबसे ज्यादा खतरनाक बनेगा आगे चल के, याद रखना।
चलिए जरा और आ जाता है परवेज, समझ में आ रही है बात। और चौथा हो जाता है भैया शहरयार। आ रही है बात समझ में? अगर खुसरो की बात करें तो यहां पे याद रखना इनकी माता का नाम, ये माता का नाम आप याद रखेंगे, क्या नाम था? मानबाई, है ना। और खुर्रम की अगर माता की नाम, माता का नाम याद पूछे आपसे तो उसकी माता का नाम भी क्या था? जोधाबाई। और बच्चे एक बात ध्यान रखना, आप कहेंगे भैया कि जागीर की माता का नाम भी जोधाबाई था, ये तो अकबर की पत्नी थी, ये अकबर वाली जोधाबाई है और जागीर का जो पुत्र है खुर्रम, समझ रहे हैं, इसकी माता का नाम भी जोधाबाई था। ये जोधाबाई अलग है और ये जोधाबाई अलग है, जो आई थी कहाँ से? उदयपुर से भैया। समझ में आ रही है बात, है ना। इस बात को आप याद रखेंगे, ये जोधाबाई अलग है और वे जोधाबाई अलग है, है ना। वे किसकी पुत्री हैं? भारमल की, याद रखेंगे। बिहारी लाल, इनका दूसरा नाम क्या था? भारमल। भारमल की पुत्री है, ऐसे करके आप लिख लेंगे जिससे आपको याद रहेगा कि दोनों के दोनों अलग अलग है। परवेज और शहरयार, इनके बारे में भी आगे बात करेंगे। चले बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई। चले जरा आगे की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे भैया 1606 में अगले साल जैसे गद्दी पर बैठा, अगले साल क्या हुआ? खुर्रम ने जागीर के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, समझ रहे हैं आप? खुद गए बेटे ने, समझ रहे हैं? खतरनाक क्यों था भैया? अपने बाप को गद्दी पर बैठाने से मना कर रहा था, है ना, खुद बैठना चाह रहा था। तो खुर्रम ने क्या किया? जागीर के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह के बाद खुर्रम का जो साथ दिया, साथ देने वाले कौन कौन थे इनके बारे में देख लेते हैं जल्दी से जरा, क्योंकि इनका भी हाल बुरा होने वाला है। जैसे कि अगर बात करें, पहला था अब्दुल रहीम, समझ में आ रही है बात। सेकंड की अगर बात करें तो हसन बेग, ठीक है भैया। और पांचवें हो जाते हैं क्या? अर्जुन देव, यानी सिखों के कौन से गुरु थे? पांचवे थे अर्जुन देव, जिनको जहांगीर ने मरवा दिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इन सभी ने भैया शरण दी थी किसको? खुर्रम को। खुर्रम का साथ देने के लिए इन तीनों ने कहा था, अब्दुल रहीम, हसन बेग और अर्जुन देव। इन्हों क्या कर दिया था? मौत के हाथ उतरवा दिया था अर्जुन देव को, क्योंकि इनमें मेन भूमिका जो निभाई थी वो किसने निभाई थी, याद रखेंगे आप? खुर्रम को जहांगीर के खिलाफ ताकतवर बनाने के लिए मेन जो भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? अर्जुन देव ने निभाई थी, इसलिए सबसे पहले इन्हीं को मरवाया था जहांगीर ने। बात समझ में आ गई? चले जरा इससे आगे की बात कर लेते हैं बच्चा, देखें जरा, अब बात कर लेते हैं आगे और क्या क्या जहांगीर ने किया। जी हाँ, इनके और भी कारनामे हैं, देखना जरा। सबसे स्पेशल कारनामा तो अब शुरू होगा, देखो भैया। भैया जहांगीर ने 1611 में महरूम निशा से शादी कर ली थी। ये वही महरूम निशा है, याद रखेंगे, जिनका आगे चल के नाम क्या पड़ेगा? नूरजहां। क्या नाम पड़ेगा? नूरजहां। और इन्हीं को ये नाम नूरजहां किसने दिया था? जहांगीर ने। नूर जहां का मतलब समझते हैं आप? सारे जहां में जो नूर हो, नूर मतलब, नूर का मतलब है कोई नूर से, यानी संपूर्ण जगत में अगर कोई सुंदर है तो वो कौन है? तो वो आप हैं। ये किसने कहा? जहांगीर ने कहा। किनको कहा?
मेहरुन निशा को कहा, जिससे इनका नाम पड़ गया नूर जहां या नूर ए जहां, है ना, नूर ए जहां पूरा नाम है, नूर जहां भी आप इसको लिख सकते हैं। चलें जरा बात करेंगे मेहरुन निशा। तो याद रखना मेहरुन निशा जो है भैया शेख अफगान एक शासक थे, और शेख अफगान की क्या थी, एक विधवा थी, यानी कि ये कोई लड़की नहीं थी, याद रखेंगे आप, ये क्या थी, एक औरत थी, औरत भी कैसी, विधवा। इनका जो पति था शेख अफगान ये मर चुका था, याद समझ में आ रही है बात, ठीक है। और इसके मरने के बाद शादी कर ली किसने, जहांगीर ने, काफी सुंदर होने के कारण, है ना। और शेख अफगान जब इनके पति थे तो इनकी एक बेटी थी क्या, लाडली, याद रखेंगे कौन बेटी थी, लाडली, लाडली बेगम। और देखो जहांगीर ने तो शादी कर ली मेहरुन निशा के साथ, और जहांगीर ने रिश्ता बनाने के लिए बेटी लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार से करवाया। और यही मेहरुन निशा क्या है, नूरजहां, जिनको क्या नाम दिया था, जहांगीर ने दिया था। इसको भी रहने दो यहाँ पर, इसको बाद में लिखेंगे, अभी पहले इससे और बातें हैं मेहरुन निशा के बारे में जो हम लिखेंगे। समझ में आ गया भैया। तो ये जो बेटी थी इनकी लाडली बेगम, है ना, इसकी जो विवाह कर लिया, करवा जाता है किसके साथ, चौथे पुत्र शहरयार के साथ। इतनी बात को आप याद रखेंगे। चलो जी चलिए जरा आगे से आगे की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो याद रखेंगे मेहरुन निशा के एक भाई थे जिनका नाम था आसफ खां। ये नाम आप याद रखेंगे, बात समझ में आ रही है। और पिता थे बच्चा मिर्जा गयास बेग। आपको बातें समझ में आ रही हैं। देखो अब कहने का मतलब यह है कि जहांगीर का रिश्ता जो है इनसे दामाद का बन गया था और इनसे साले साहब का बन गया था। तो पहले प्रथा चलती थी, जैसे अकबर ने भी क्या दिया था, उपाधियां दी थी अपने ससुराल वालों को, याद है ना, बिहारी मल को, और उनके जो बेटे थे, उनके जो पोते थे मानसिंह, नौरत्नों में भी स्थान दिया गया, 7000 घोड़ों का मनसब भी बनाया गया। मनसब भी आपको बताया था, जितने घोड़े दिए जाएंगे उसके साथ में उतने ही फ्री में, गेट वन बाय वन फ्री, ऐसे आप याद रख सकते हैं। मनसब का मतलब क्या है, गेट वन बाय वन फ्री, एक खरीदो दूसरा फ्री। समझ में आ रही है बात। चलो हाँ, ये गोलमोल है बच्चा, ये गद्दी का ही कारण है, ये जो हो रहा है ना यहाँ पर, देखो ये सब गद्दी का नतीजा है, गद्दी ना चली जाए। इसलिए क्या किया, उस लड़की को अपनी बेटे की क्या बनवा दिया, बेगम बनवा दिया भैया, लाडली से बना दिया लाडली बेगम। चलो अब बात कर लेते हैं, जहांगीर ने अपने दामाद और अपने साले साहब को जब शादी हो गई तो इनाम में क्या क्या उपाधि दी गई, क्या क्या उपाधि दी, उपाधि देने का मतलब बेटा उनको याद रखना, वेतन भी मिलता था, खाली नाम नहीं मिलता था, वेतन भी मिलता था राजकोष से, जो अधिकोष होता था राजा के पास। तो देखेंगे इनको बोला गया खान ए सामा, ये उपाधि दी गई, याद रखेंगे आप। क्या दी गई, उपाधि दी गई, और मिर्जा गयास बेग को एतमउद्दौला, इनको ये उपाधि दी गई। एतमउद्दौला किसको कहा जाता था इस उपाधि से पहले, जहांगीर को, लेकिन जहांगीर ने भैया अपने सिर का ताज उठा के, ताज नहीं सॉरी, ये उपाधि का ताज है ना, एतमउद्दौला जो नाम उनको दिया गया था, टैग लगा था, उसको हटा के किसको चिपका दिया, अपने दामाद पर चिपका दिया, यानी कि मिर्जा ग्यास बेग पर चिपका दिया एतमउद्दौला। बात समझ में आ रही है। और याद रखेंगे इनके मरने के बाद, यानी इनकी याद में बिल्कुल सफेद संगमरमर का
एथम और दुला क्या बनवाया गया, मकबरा बनवाया गया। बात समझ में आ रही है भैया? सफेद संगमरमर का प्रथम, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्या था, प्रथम इमारत थी, कहा जाता है आगरा संगमरमर की पहली थी, नहीं आज से याद रखेंगे, पहली संगमरमर की सफेद इमारत जहांगीर ने बनवाई थी अपने दामाद की याद में, और कैसी बनी थी याद रखेंगे आप, एतमाउद्दौला मकबरा नाम से बना था, सफेद संगमरमर का प्रथम इमारत थी, और बच्चों इसी का नाम क्या था, इसी को बोला जाता था प्यार से बेबी ताज। इसी का नाम क्या पड़ा, बेबी ताज नाम पड़ा। बात समझ में आ रही है? और याद रखेंगे इसके ऊपर जो डिजाइन बनाया गया है वो डिजाइन कैसा बनाया गया है, पितरादूत शैली। पितरादूत शैली का मतलब क्या होता है याद रखेंगे आप, फूल पत्ती का डिजाइन। भैया बात समझ में आ रही है? फूल पत्ती के जो डिजाइन होते थे, जो पहले भैया मकबरे बनाए जाते थे आपको याद भी आ रहा होगा, उन मकबरों में क्या किया जाता था, उन पर डिजाइन बनाए जाते थे इस तरीके से दीवारों के ऊपर, फूल के पत्तियों के, उस टाइम के जानवरों के, तो वो डिजाइन क्या कहा जाता था, पितरादूत शैली कहा जाता था। याद रखेंगे पितरादूत शैली किसके कार्यकाल में आरंभ हुई थी, तो बच्चा याद रखेंगे पितरादूत शैली जहांगीर के कार्यकाल में शुरू हुई थी। और पहला सफेद संगमरमर की इमारत की अगर बात करेंगे तो एतमाउद्दौला मकबरा, जो किसकी याद में बनाया गया था, मिर्जा ग्यास बेग की मरने के बाद उनकी याद में बनाया गया था, और किसके संदर्भ में बनाया गया था, जहांगीर के, 1605 से 1627 के बीच। चले जी, इतनी बात समझ में आ गई बच्चा, चलिए जरा आगे की बात कर लेते हैं। मेहरूम निशा की माता की बात करें तो देखें जरा, अगर माता की बात करेंगे तो भैया नाम पड़ जाता है क्या, उस्मत बेगम। ठीक है, अस्मत बेगम, इसको लिख लेंगे आप ठीक करके, अस्मत बेगम। और याद रखेंगे सबसे स्पेशल बात, गुलाब से इत्र का निर्माण, भैया पहली बार गुलाब से सेंट परफ्यूम का निर्माण जो किया था वो किसने किया था, अस्मत बेगम ने किया था, इसलिए हमको ये बताना पड़ा। देखो मेहरूम निशा नूर जहां, इसको लिख लेंगे आप ऐसे लिखना, नूरे जहां, किसके द्वारा, बाय जहांगीर। बात समझ में आ रही है बच्चा? फिर दोबारा से सुन लेते हैं एक बार, देखें जल्दी से जरा। मेहरूम निशा से शादी की थी 1611 में जहांगीर ने, जो कौन थी, शेख अफगान की विधवा थी, शेख अफगान मर गए थे, उनकी एक पुत्री थी लाडली बेगम, जिसका विवाह जहांगीर ने अपने चौथे पुत्र किससे करवाया था, शहरयार से करवाया था। मेहरूम निशा की बात करें तो उनके भाई का नाम आसफ खान, जिसको उपाधि गिफ्ट की थी क्या जहांगीर ने, खान ए सामा की, सामा यानी साला, समझ सकते हैं आप, याद रखेंगे। पिता जो थे मेहरूम निशा के, मिर्जा ग्यास बेग, जिनको उपाधि दी थी क्या एतमाउद्दौला, किसने, जहांगीर ने दी थी अपने ससुर को। ठीक है जी, और इनके याद में एक मकबरा बना जो सफेद संगमरमर का पहली इमारत थी, एतमाउद्दौला मकबरा, जिसका नाम क्या है, बेबी ताज, जिस पर पितरादूत शैली बनाई गई है, फूल पत्ती का डिजाइन। मेहरूम निशा की माता की बात कर ले तो उस्मत बेगम था, और ये वही स्त्री थी जिन्होंने पहली बार गुराब से क्या बनाया था बच्चा, परफ्यूम बनाया था, है ना, सेंट का निर्माण किया था। चलें जरा, आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, चलें जरा इससे आगे की बात कर लेते हैं बच्चा। चलो जी, इतना समझ में आ गया सारा, ये सारा सिस्टम था जहांगीर के बारे में। चलो जी, जहांगीर की और थोड़ी मोटी बातें देख लेते हैं, बाकी तो उसने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं था, केवल चित्रकारिता पर इसका ध्यान था, है ना, चित्रकारी पर इसका ध्यान था। और चलें जरा, याद रखेंगे इनके जो बड़े पुत्र थे कौन, खुर्र खुसरो,
है ना, वो आगे चल के खुसरम और खुर्रम दोनों ही आगे चल के बड़ा नाम कमाएंगे। चले बच्चा अगर हम बात करें सलीम के बारे में, बात कर लेते हैं। सलीम यानी जागीर एक ही बात है, जागीर भी आप इसको लिख सकते हैं। सलीम को भैया न्याय की जंजीर कहा गया, अब न्याय की जंजीर को क्यों कहा गया देखो, याद रखेंगे ये आगरा में कहा गया क्योंकि उस समय जो दरबार लगता था वो आगरा की ओर ही लगता था। इन्होंने अपने कार्यालय कह सकते हैं आप, ऑफिस कह सकते हैं अपना, है ना, उस ऑफिस के बाहर क्या था बच्चा, काफी सारी घंटियां लगवा रखी थी जंजीरों में बंधी हुई, और उन्होंने ये दावा किया था कि अगर मेरी प्रजा में से कोई भी व्यक्ति आके न्याय की मांग करना चाहता है तो घंटी बजा सकता है, और घंटी बजते ही मैं वहां हाजिर मिलूंगा ही मिलूंगा, या मेरा कोई राजदूत वहां पर मिलेगा। वैसे जो लिखा हुआ है वो जहांगीर ने खुद कहा था कि मैं खुद वहां पर हाजिर होऊंगा, है ना, उस व्यक्ति को इंसाफ दिलाने के लिए। तो इनको न्याय की जंजीर कहा गया, ये बात आप याद रखेंगे। सवाल बनता है NTPC रेलवे में, सवाल पूछा जा चुका है, क्या बच्चा याद रखेंगे कि मुगल काल में किस शासक को न्याय की जंजीर कहा गया, तो याद रखेंगे जहांगीर ने अपने कार्यालय के बाहर जंजीर से घंटियां लटका दिवा दी थी, जिसको घंटे को आप बजाएंगे और जहांगीर तुरंत बाहर निकल कर आएगा आपकी सुनवाई करने के लिए। आगे की बात करते हैं, देखें जरा, देखो भैया जहांगीर के काल को मैंने आपको पहले भी बताया, जहांगीर के काल को क्या कहा गया, चित्रकारिता का काल, चित्रकारिता का काल कहा गया। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पिक्चर वगैरह पर इसमें ध्यान दिया गया था। और याद रखेंगे भैया जहांगीर ने जो अब तक किसी ने नहीं किया, व्यापार के लिए अंग्रेजों को 10 यानी कि प्रपत्र कि आप आइए और हमारे यहां व्यापार की, जो व्यापार होता था मसालों का, ये बात आप याद रखेंगे, प्राचीन समय से ही जो टेस्ट मिलता है खाने में वो हमारे यहाँ मिलता था, जिसको लेने के लिए दूर दूर से यूरोपियन और काफ़ी अंग्रेज यहाँ पर आए। चलें बच्चा देखें जरा आगे की बात कर लेते हैं, देखो जरा बात कर लेते हैं जहांगीर के समय भारत आए अंग्रेज, एक एक करके इसको हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से अंग्रेज भारत आए। देखिए जरा अगर हम बात करें 1608 में भैया स्टार्टिंग से लेके चल देते हैं बात को, 1608 में कौन आ जाता है, हॉकिंस आ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, कहां आ जाता है, सूरत आया था। और इसकी चालबाजी देखिए, इसने कैसे प्रभावित किया जागीर को, भैया ये आ तो गया था 1607 में ही, लेकिन एक साल उर्दू सीखी, और कब 1608 में एंटर की कहा, जहांगीर के दरबार में, और दरबार में घुसते ही उर्दू बोलने लगा, जिसको देखकर सब चके कह रहे गए, आश्चर्यचकित रह गए कि भैया अंग्रेज और बोल रहा है उर्दू। आप समझ रहे हैं बात को, कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया हॉकिंस ने, इफेक्ट डालना था जहांगीर के माइंड पर अपना, और उर्दू डाया से बढ़िया कोई इफेक्ट इसको समझ में नहीं आया, तो हॉकिंस ने खतरनाक सी उर्दू यहाँ पर बोली दरबार में घुसकर, जिसके के कारण ये दीवाने हो गए, किसके, जहांगीर इसके दीवाने हो गए, और अपने कार्य में 400 का मनसब बनवा दिया, 400 घोड़ों का मनसब बना दिया जहांगीर ने किसको, हॉकिंस को। बात समझ में आ रही है। 1608 के आगे की बात करें बच्चा, तो याद रखेंगे 1611 में मिल्टन आया, अब तो एक के बाद एक आने लगेंगे, मिल्टन आया, ठीक है, और याद रखेंगे 1612 में
कौन आया भैया, याद रखिए, पॉल कैनिंग और एडवर्ड, पॉल कैनिंग और एडवर्ड आए, इस बात को आप याद रखेंगे। चले जरा इससे आगे की बात कर लेते हैं, नंबर चार, तो याद रखेंगे 1615 में थोड़ा शुरू आई, इतनी बात समझ में आ रही है भैया। तो याद रखेंगे 1608 में हॉकिंस, 1611 में मिल्टन, 1612 में पॉल कैनिंग और एडवर्ड, 1615 में थॉमस रो। ये हिंट वन याद हो जाने चाहिए, फिर दोबारा सुन लेंगे आप। भैया 1608 में कौन आया, हॉकिंस आया सूरत, 1611 में कौन आया, मिल्टन आया, 1611 में कौन आया, मिल्टन आया, सबसे पहले हॉकिंस आया था 1608 में, 1611 में मिल्टन आया, उसके बाद 1612 में कौन आया, याद रखेंगे आप, पॉल कैनिंग और एडवर्ड। पॉल कैनिंग और एडवर्ड कब आए, 1612 में, और 1615 में कौन आया बच्चा, थॉमस रो। इस नाम को आप याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ये समझ लें इस चैप्टर की जान चल रही है ना। चलें जरा आगे की बात कर लेते हैं। देखो जी, इससे आगे की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो देखिए जरा, और अगर जहांगीर की बात कर लेते हैं, तो याद रखेंगे आत्मकथा जहांगीर की, तुझुक ये जहांगीर, ये लिखी गई थी, बात समझ में आ रही, और फारसी भाषा में ये लिखी गई थी। इसको आप याद रखेंगे, फारसी भाषा में भैया ये लिखी गई थी। चलें जरा आगे की बात कर लेते हैं, और याद रखेंगे आत्मकथा को जो कंप्लीट किया था, बीच में मर गए थे, जो कंप्लीट किया था तो किन्होंने इसको कंप्लीट किया था, याद रखेंगे मोतीबिद खान ने, मोतीबिद खान, इसको आप याद रखेंगे, मोतीबिद खान जी, मोतीबिद खान ने इसको कंप्लीट किया था। चलिए जरा बच्चा आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो याद रखेंगे जहांगीर का समय क्या कहा गया था, चित्रकला का स्वर्ण काल, गोल्डन टाइम, बात समझ में आ रही है, इसको आप याद रखेंगे। और चित्रकार कौन थे स्पेशल, फारूक बेग, और थे भैया दौलत खान, पहले वाले नहीं, मैं दूसरे हैं, अभी सोचो मर करके वापस आ गए। चलें जरा आगे की बात कर लेते हैं, तो देखेंगे जरा, समझ में आ रही है बात भैया, इतनी बात क्लियर हो गई, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1627 में। लो जी 1627 में इनका दी एंड हो जाता है, बात समझ में आ रही है भैया, क्लियर हुआ है नहीं हुआ, देखना जरा, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है 1627 में। और बच्चा याद रखेंगे मृत्यु के बाद अगर हम बात करें, तो यहां पर एंट्री हो जाती है खुर्रम की, जिसको क्या कहा जाएगा, याद रखेंगे आप, शाहजहां, बात समझ में आ रही है, और एंट्री हो जाती है 1627 में शाहजहां की, 1627 से 1658 ये इनका कार्यकाल रहा, इसके बाद फिर इनकी अगली पीढ़ी चल जाएगी। बातें समझ में आ रही हैं, इतनी बात आपको आई होप क्लियर हो रही होगी। जहांगीर को आज हमने कंप्लीट कर दिया है बच्चा, दो तीन क्लासेस और चलेंगी, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा आपका मेडिवल हिस्ट्री। और आप कमेंट में लिख दे जरूर कि आपको आगे क्या पढ़ना है ना, आधुनिक भारत पढ़ना है या प्राचीन में चले, समझ में आ रही है बात, जैन धर्म वगैरह जहां पर ये आपको मिलेंगे,
है ना, ये आधुनिक में आगे चलना है। समझ में आ गई बात? तो जागीर की बात करें तो जागीर का कार्यकाल 1605 से 1627 तक रहा। आत्मकथा लिखी गई तुजुके जहांगीर फारसी भाषा में, पूरा की आधा तो लिखा था जहांगीर ने ही, लेकिन कंप्लीट किया था मोतीबिंद खान ने। चले जरा चित्र का कला का स्वर्ण काल कहा गया, इस काल को कौन से काल को स्वर्ण काल कहा गया, सन दिए जाएंगे याद रखना, पूछा जाएगा आपसे कि चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया, सन वहां पर दिए जाएंगे। अब सन में से कुछ भी दे देखो, 1605 से 1627 के बीच में कोई भी एक सन उठा के दे सकता है। जैसे उसने दे दिया 1530, 1490 और क्या दे दिया आपको, आपको दे दिया 1615 और दे दिया 1645। और चार ऑप्शन में से आपसे पूछा गया कि बताइए भैया मुगल काल के कौन सा समय में मुगल काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया, तो आप याद रख सकते हैं स्वर्ण काल कहा गया जागीर के काल को, जिनका कार्यकाल क्या रहा 1609 से लेके 1605 से लेके 1627 तक रहा, और इसके बीच में केवल एक टाइम पड़ता है 1615। तो 1615 पर ही आप भैया क्लिक लगा देंगे। आ रही है बात समझ में? कभी सोचो कि 1605 से 27 तक का पूरा टाइम मिलेगा, पूरा नहीं मिलता, कई बार बीच में से एक सन उठा के दे देगा। अभी आपको सेट करना है कि किन दो सन के बीच में ये आ रहा है। समझ में आ गई बात? तो इनकी मृत्यु की 1627 में हो जाती है। मृत्यु के बारे में कोई खास चर्चा नहीं की गई है ना, तो कुछ ज्यादा ध्यान भी नहीं देना है। और मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र था खुर्रम, जो आगे चल के क्या बनेगा, शाहजहां, जिसका कार्यकाल रहेगा बच्चा 1627 से लेके 1658 तक, जिसको हम आगे क्या कहेंगे, शाहजहां का कार्यकाल। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो लिखना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। और बच्चा मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि ऐसे बच्चों तक ये क्लासेस जरूर पहुँचाएं जिनको हमारी हमारे से ज़्यादा ज़रूरत है इन लेक्चर्स की, है ना बच्चा। तो बने रहिए हमारे साथ, और क्लासेस को जो भी आपके लाइव सेशन स्टार्ट हो गए हैं, जैसा कि आपने देखा है संडे वगैरह में जो भी अब रखेंगे अपना लाइव सेशन, उसमें आप रेगुलर बनाए रखें, लिंक को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें और ज्वाइन करते रहें क्लासेस को, तो याद रखेंगे। ठीक है बच्चा, इन सब बातों को आप याद रखेंगे। और प्रैक्टिस सेट हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, इसमें जो भी हम क्लासेस ले रहे हैं आपकी, उसके प्रैक्टिस के कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। इसके साथ में किस बुक से आपको अपना प्रैक्टिस लगाना है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है बच्चा, जय हिंद, जय भारत।